मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम का आज भिवानी जिला के गांव कैरू में समापन किया। सीएम ने कहा कि इन 3 दिनों के दौरान उन्हें लगभग 7,000 लोगों ने अपने एप्लीकेशन दिए हैं और वे जिला के 2 दर्जन के करीबन गांव में गए हैं और लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया है। वहीं ई टेंडरिंग के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग सभी सरपंच भाजपा के साथ आ गए हैं और सभी सरपंचों का कहना है कि वे गांव का विकास चाहते हैं। क्या कुछ कहा सीएम मनोहर लाल ने, सुनिए। उस पर नए सिरे से हम जो कानून में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा तो हम करेंगे, लेकिन ये 100 गांव की चकबंदी आने वाले 1 वर्ष के अंदर हम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। सर 7,000 मैंने सारा कुछ बताया, सब बताया है। हर योजना में पब्लिक को जो लाभ मिला है पब्लिक संतुष्ट है, चाहे वो आयुष्मान की बात है, चाहे राशन कार्ड की बात है, चाहे ओल्ड एज पेंशन की बात है, चाहे नौकरियों की बात है। एक एक चीज़ कुरेद करके मैंने पूछी है और उसमें सब जगह, बल्कि कुछ जगह पर तो लोग कहते हैं आपके आंकड़े कम हैं, हमारे यहाँ नौकरियाँ इससे भी ज़्यादा लगी हैं, हमारे पास जो आंकड़े हैं वही बताएंगे, तो गलत आंकड़े बोलने का हम कोई अर्थ नहीं है। लेकिन सबको बराबर प्रॉपर लाभ उन चीज़ों का मिल रहा है, लोग संतुष्ट हैं। जहाँ तक ई टेंडरिंग का विषय है, आपने देखा है कि सब गाँव के लोग और बल्कि जितने गाँव में मैं गया हूँ सब सरपंचिस इक्का दुक्का ने ये कहा कि मजबूरी में हम वहाँ चले गए थे उनके साथ, लेकिन अब उनके साथ हम नहीं हैं, हम अपने गांव का विकास चाहते हैं, जितना पैसा हमने भेजा वो सारा लगा चुके हैं। मैंने तो अगले साल के बजट भी उनको हर गांव को बता दिए कि आपके यहाँ इतना बजट आएगा, आपका इतना आएगा, आपका इतना आएगा, सब उससे प्रसन्न। उन 600-700 ने भी ये कह दिया है कि हम काम तो अपने कराएंगे, जो योजना है उसी में कराते रहेंगे, फिर भी हमारी डिमांड रहेगी कि ई टेंडरिंग का सिस्टम ख़त्म किया जाए, उसकी लिमिट बढ़ाई जाए। और बढ़ाई क्यों जाए ये लोग भी कहते हैं और जो वर्तमान सरपंच वो भी कहते हैं कि किस लिए बढ़ाना चाहते हैं, जिसलिए वो चाहते हैं, जो उनका मंसूबा उसको सफल। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भिवानी की जनता ने राज्य सरकार की नीतियों पर संतुष्टि जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के जिन गांवों की चकबंदी नहीं हुई है उन गांवों के सर्वे करवा कर जल्द ही चकबंदी की जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा 2 अप्रैल से भिवानी जिला में 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने विभिन्न गाँव में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही निपटारा किया। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।